तो दोस्तों फाइनली लैंड हो गए भाई। मैं बता रहा हूँ 10 मिनट के लिए तो ऐसा लग रहा था सारे भगवान याद आ गए थे। मेरी यूजुअली फटती नहीं है इन चीजों से। तो निकल पड़े हैं नई मंजिल की तरफ। मंजिल अब दूर नहीं, अब रुकना नहीं, जा रहे हैं फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट, कोई जंग पे नहीं। तो ये लो भाई, ये रहा देसी पासपोर्ट, ठीक है। और अरे भैया आ जाओ, ये रहा हमारा यूके का वीज़ा। शक्ल में मत जाओ, डरना मत, 180 दिन का वीज़ा है। और वैलिड डेट 26/1/2023, ठीक है। तो एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और अभी हम करेंसी एक्सचेंज करा रहे हैं क्योंकि हमें पाउंड्स में वहाँ पे हो सकता है कि कुछ कुछ जगह, जैसे आप बार्स या रेस्टोरेंट चले जाते हो तो वहाँ पे शायद कार्ड एक्सेप्ट ना हो, पता नहीं क्या हिसाब होगा, देखते हैं। जैसे कैफेज में वगैरह, तो हमेशा सेफ्टी के लिए उस देश की करेंसी थोड़ी बहुत ले लो, क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि आपको ना जब आप कार्ड से पे करते हो तो एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा लगता है उधर। तो हम सेफ्टी के लिए अभी पाउंड्स ले रहे हैं। और बाय द वे पाउंड्स की बात हो रही है तो डेस्टिनेशन आपको पता चल ही गया होगा, जा रहे हैं लंदन। और मैं एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि यार आपने वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। मैं बार बार ये वापस बताना चाहता हूँ कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ पासपोर्ट है बस। अदर डॉक्यूमेंट्स में जिसमें आप अपनी फाइनेंशियल फंड्स वगैरह दिखाना चाहते हो वो अलग चीज़ है, तो वो आप एडिशनल दिखा सकते हो, पर उसमें कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है, ठीक है। तो एनीवेज मैं आपको अलग वीडियो में बताता हूँ, फिलहाल अभी आगे चलते हैं। और जब आप फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पहुँचते हो तो जो अभी आपने देखा ये पूरी जो लेन है ये फर्न बानोफ से होती है और ये आपको सीधा आगे ये वाला आपको क्रॉस करना ही है जब आप ट्रेन से आ रहे हो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट। और ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो पैसेज है वो ध्यान रखिए, वो आप एक ट्रेडमार्क बना लीजिए, माइलस्टोन बना लीजिए, वो आप ट्रेडमार्क बना लीजिए कि यहाँ ये पैसेज आपको मिल गया तो अब आप अपने काउंटर्स, चेक इन काउंटर्स और गेट्स की तरफ जा रहे हो, ठीक है। What I've noticed go around our and during the approach into the city airport, we had a quite abrupt change of winds and needed to discontinue the approach. We are already on road vectors for the second approach into city and we'll land there in a couple of minutes. तो दोस्तों फाइनली लैंड हो गए भाई। मैं बता रहा हूँ 10 मिनट के लिए तो ऐसा लग रहा था सारे भगवान याद आ गए थे। मेरी यूजुअली फटती नहीं है इन चीज़ों से, मतलब हम दुनिया घूम रहे हैं और टर्बुलेंस होता रहता है, पर आवाम को देख के ना थोड़ी घबराहट हो गई थी, आवाम चिल्लाने लड़कियाँ तो चिल्ला पड़ी थी थोड़ी बहुत। और फिर लैंड होने वाले थे पर फिर वो लैंडिंग नहीं हो पाई क्योंकि टर्बुलेंस बहुत थी, तो इसलिए उन्होंने वापस प्लेन घुमाया सेकेंड अटैम्प्ट के लिए। और हम फ्रैंकफर्ट में सिमुलेशन, जो ये सारा एयरप्लेन सिमुलेशन होता है वो मैं कर चुका हूँ, तो वहाँ पे पता चलता है कि पायलट्स कहाँ कहाँ किस किस सिचुएशन से गुजरते हैं। तो बस फिलहाल पहुँच गए हैं लंदन, लंदन सिटी एयरपोर्ट पे हम खड़े हुए हैं। और यार ब्लॉग में मज़ा आएगा, देखते हैं आगे क्या क्या बनता है। तो अभी तो हम जा रहे हैं मिल्डा के बेस्ट फ्रेंड के घर, एक इवेंट के लिए आए हुए हम यहाँ पर, और वो इवेंट की मैं वीडियो बनाऊँगा, कोशिश करूँगा। तो फिलहाल अभी बस टैक्सी पकड़ के पहुंचते हैं उसके घर कुछ खाना पीना।
तो पहुंच गए अंदर घर के और बाहर मौसम थोड़ा ठंडा है। रिमंत है जो मिल्डा की बेस्ट फ्रेंड है, वो बता रही थी कि सूरज नहीं निकला था बहुत टाइम से, पर आज सूरज निकला हुआ है। वही हम आ गए हैं ना यहाँ पे, ठीक है। और घर बहुत प्यारा सा है, छोटा सा है पर बहुत प्यारा सा घर है। और बाकी अब थोड़ी नींद सी आ रही है क्योंकि अभी खाना खाया और खाने के बाद थोड़ा वो हो जाता है। बाकी 7-8 घंटे से तो हम जागे नहीं हैं, तो उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रैवलिंग में यार ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, आपको ट्रैवलिंग इसलिए करनी चाहिए, आपको ना बहुत चीज़ों का पता चलता है, सही बता रहा हूँ। और कुछ कुछ कभी कभी जैसे टर्बुलेंस था नहीं नहीं वो नहीं, पर एक्सपीरियंस एक एक्सपीरियंस होता है किसी भी साइड। तो जब यूके आओ तो ये कन्वर्टर मत भूलना, ठीक है, नहीं तो कुछ भी आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो लंदन यूके में वही इंडिया वाला हिसाब है कि पहले तो 3-pin सॉकेट है, अर्थिंग है, और आप जब ये लगा लेते हो तो ये स्विच ऑन करना पड़ेगा। अभी हमने प्रेस ऑन की, 5 मिनट तक हम देख रहे थे कि हो क्या रहा है, ऑन क्यों नहीं हो रही। बाद में पता चला कि स्विच भी ऑन करनी है, जर्मनी में ये स्विच वाला सिस्टम नहीं है, सिर्फ प्लग लगा देते हैं और ऑन हो जाता है। तो वही इंडिया वाला हिसाब है, अफेक्ट तो रहेगा ही ना, हमारा बहुत बरसों का साथ है। तो अभी शॉपिंग करते हैं थोड़ी खाने पीने की और फिर आगे। ये है हमारी यूके की एडेका, यहाँ पे चिप्स मत बोलना, क्रिस्प्स क्रिस्प्स बोलना है, क्रिस्प्स। तो अपना सामान रखो और बारकोड स्कैन करो और बस ख़त्म, ऑटोमेटिक। तो चलो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, अब फैमिली आई है उनकी, तो थोड़ा बैठते हैं बातें बातें करते हैं। ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं इस व्लॉग में, तो पहला ही व्लॉग है, हम ज़्यादा सिटी घूमे भी नहीं। कल वाला व्लॉग होगा जहाँ पे हम आपको लंदन सेंट्रल लंदन घुमाएंगे। तो बस आज के लिए अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और शब्बा ख़ैर।